नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट एक्शन पर। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिलने वाली है वो जितने भी डिग्री पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट है मिथिला यूनिवर्सिटी के, और वो अपने एग्जाम के प्रतीक्षा कर रहे कि आपका एग्जाम कब होने वाला है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए शुरू से लेकर अंत तक, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक जो भी अपडेट आया आप लोग के एग्जाम को लेकर के, क्या अपडेट आया है, कब से एग्जाम होने वाला है, कौन सा क्वेश्चन पूछे जाने वाले, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप थंबनेल भी देख चुके होंगे कि आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा कि आप लोग का एग्जाम कब से होने वाला, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीएससी के स्टूडेंट हो, या फिर आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप लोग का एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। तो दोस्तों आप लोग को बता दो कि आप लोग का एग्जाम अप्रैल महीना में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो निर्भर करता है वो पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट, जो कि आपसे एक साल पहले जो आपके दोस्त या फिर भाई जो एडमिशन लिए हैं उन लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं जारी किया गया, पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट। तो पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट पे ही आप लोग का जो एग्जाम है वो निर्भर करता है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट उसे प्रमोट करेंगे तो उन लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट दिया जाएगा, तो उसके लिए वेट करेगी यूनिवर्सिटी 5 दिन 7 दिन 10 दिन जो भी वेट करे वो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है। लेकिन जब तक पार्ट फर्स्ट के एग्जाम का रिलीज नहीं हो, जब तक पार्ट फर्स्ट का एग्जाम रिलीज नहीं करता यूनिवर्सिटी, तब तक आप लोग का एग्जाम लेने का कोई संभावना अब नहीं दिख रहा है। फिर भी आप लोगों को संभावित बता दूं कि जैसा कि परीक्षा नियंत्रक सर बताए थे, आनंद मिश्रा सर, वो कि बताए थे कि आपको जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका कि 2022 क्वालिफिकेशन तक है, तो उन लोग का एग्जाम जून महीना तक ले लिया जाएगा। तो उम्मीद कीजिए कि आप लोग का भी एग्जाम मई के अंतिम सप्ताह में या फिर जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने का अब संभावना दिख रही है। अप्रैल महीना में आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि पार्ट वन का रिजल्ट अप्रैल महीना में नहीं आएगा, जून में तक देखिए आप लोग का एग्जाम हो जाना चाहिए। तो आप लोग एग्जाम का प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके जो इस बार एग्जाम होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए जो गेस्ट क्वेश्चन होता है, जो कि आपके इस बार के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया गया है, वहां से आप उतने सारे क्वेश्चन को प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उतना क्वेश्चन करने के बाद आप एग्जाम अच्छा से दे दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं इसी तरह का अपडेट बनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के संग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।